यस मैम, पैरामिलिट्री के बारे में खासकर गीता भुक्कल जी आज कुछ संदेश देंगी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आर सैनिक कल्याण का गठन होगा और सही समान स्मारक बनेगा हरियाणा में। जी मैम, अर्धसैनिक बलों के सभी साथियों को बहुत सैल्यूट करती हूँ। yes. और जैसा कि आपकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई होगी, जी, जी, जी. उन्होंने हमें कहा है कि इसको हमने घोषणा पत्र में डालना है जी. और जो हमारा मेन मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, हमने अर्धसैनिक बल के लिए स्टेट लेवल पर बोर्ड और जिला हेडक्वार्टर पर भी अलग से बोर्ड गठन का जो है अपने घोषणा पत्र में डाला है। और अर्धसैनिक बल के लिए स्मारक की भी एक मांग थी, उसकी भी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे मैनिफेस्टो के लिए कहा है और उसमें वो डली है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे कि आप किसी प्रकार से हमारा भी साथ देने का काम करेंगे। डेफिनेटली धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये थी गीता भुक्कल, और जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब कल्याण बोर्ड का गठन, पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन जो है, और क्या बोले मैम, फर्स्ट टाइम ऐसा है जिसमें के जो है ना कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो है हमारा पैरामिलिट्री का जो है उसके लिए वेलफेयर बोर्ड गठन और गठन ये ने जो है ना अपने उसमें मैनिफेस्टो में डाला है। यस, और ये इनने हमारे लिए जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना सोच रखा है, इसलिए हम सब का भी ये हक बनता है कि हम जो है इनका पूरा सहयोग, मतलब गीता भुक्कल का जो है पूरा जो है पैरामिलिट्री में बात करते हैं, तहे दिल से उनको जो है बिग सलूट करते हैं, और हुड्डा साहब से ये आशा करते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आए और हमें जो है ये सभी फैसिलिटियां मिले और हम पैरामिलिट्री के पूरे जवान एक्स सर्विसमैन सब जो है हुड्डा साहब के साथ हैं और इनका सहयोग करेंगे, तहे दिल से करेंगे, तन-मन से करेंगे, और गीता भुक्कल जी के लिए बिग सलूट। धन्यवाद रणधीर जी, कुछ कहना पाएंगे? धन्यवाद, दिल खुश कर दिया, बागबा हो गया। हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब हरियाणा में सेपरेट अर्धसैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, सही सम्मान स्मारक बनेगा। थैंक यू सो मच पैरामिलिट्री के जो जितने भी जवान हैं, परिवार हैं, खासकर झज्जर के, उनको हम कहना चाहेंगे कि वोट फॉर गीता भुक्कल। यस, थैंक यू सो मच, मैसेज को फैलाया जाए। Thank you. Thank you so much. Thank you.